जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समरा मीन चौधरी एंड्रोलॉजिस्ट फ्रॉम लाहौर। सबसे पहले तो आज मैं बताना चाहूँगी आपको कि क्लिनिक एड्रेस मेरा अब चेंज होगा इस फ्राइडे से इंशाल्लाह ताला। फेज 8 DHA लाहौर, 39C कमर्शियल एरिया, ठीक हो गया। और मैं ये नीचे मेंशन कर रही हूँ, आपने इंटरव्यू के नीचे जाके आपने देख रहे हैं, पूरी डिटेल्स आपको अवेलेबल होंगी। लोकेशन का मैप भी आई विल ट्राई टू शेयर, ठीक हो गया। एरिया वही है लेकिन जगह बदल गई है, है डिफेंस में ही लॉर्ड, ठीक हो गया। बात होगी आज स्पर्म डिसऑर्डर्स, स्पर्म डिसऑर्डर्स जो कि मर्दाना बांझपन का बाइस बनते हैं। ये मेरा ख्याल था कि इतने कॉमन नहीं है, लेकिन जिस तरह तरीके से मैं पेशेंट्स जिस तरह देखती जा रही हूँ, इनफर्टिलिटी मेल्स की जो कि 50% है उसमें एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया बहुत कॉमन आ रहे हैं। अब एजोस्पर्मिया क्या है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि एजोस्पर्मिया हो जिसका मतलब है कि कोई स्पर्म नहीं, आपने जब सीमन एनालिसिस कराया है तो उसके अंदर स्पर्म ज़ीरो है, ठीक हो गया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि जो आपने सीमन एनालिसिस करवाया है उसके अंदर स्पर्म काउंट्स जो है वो है, तो ज़रूर स्पर्म्स हैं मगर वो कम है उस चीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। अब तो नॉर्मल स्पर्म काउंट है कितना? 15 मिलियन पर मिलीलीटर। नॉर्मल जब हम एजैकुलेट की क्वांटिटी देखते हैं इन अ लैब रिपोर्ट, दैट शुड बी मोर देन 1.5, ठीक है। अगर 2 ml है तो अगर हम 15 into 2 करें तो वो 30 बनता है, वो ज़रा कम है। ऑन एवरेज 60 के करीब काउंट हो तो ज़रा बेहतर हम ज़रा प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी, ओके। ये हो गया। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं, पूछा ये क्या था मुझसे कि एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया के सिम्टम्स एज सच कोई कॉमन सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन यस जब एक मेल ग्रो कर रहा है तो उसको ये ज़रूर आप इर्द गिर्द के माँ बाप की, मैं कह रही हूँ, एजुकेशन होनी चाहिए कि ये कि उसकी हेयर ग्रोथ नॉर्मल है, उसकी वॉइस डीपन हो गई है और उसके टेस्टिकल, वो एक चीज़ जो माँ गौर कर सकती है कि बच्चे के टेस्टिकल्स का साइज़ नॉर्मल है या बहुत छोटा तो नहीं है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि, और साथ अगर शादीशुदा है वो मेल और उसको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे तनाव का मसला या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आ रही है, तो ये भी आपके स्पर्म काउंट की कमी जो कि पीछे से टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकते हैं। ये थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं जो कि अननोटिस चले जाते हैं, प्रैक्टिकली कहने के लिए सिम्टम्स कोई होते नहीं है बहुत ज़्यादा, जो कि इंसान या कोई लंप हो आपके टेस्टिकुलर एरिया में या कोई चीज़ आपके टेस्टिकल्स में दर्द कर रही है, फिर आपने ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है और या अल्ट्रासाउंड करवाना है और मशवरा करना है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। ज़ीरो स्पर्म काउंट के कॉजेज क्या होते हैं? यही जो मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, मेल की जो स्पर्म प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए, जैसे कि वास डिफरेंस एक डक्ट है जो कि ट्रांसफ़र कर रही है स्पर्म्स को, वो डक्ट ही ब्लॉक हो, ठीक है, या उस डक्ट वो डक्ट पैदाइशी तौर पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, या फिर विजेक्टमी करा दी गई है बच्चे बंद कराने के लिए, मेल्स का जो प्रोसीजर होता है उसमें वो वाली डक्ट बंद कर देते हैं, ठीक है, और या फिर कोई ट्रॉमा ऐसा हुआ है कि पेल्विक इंजरी हुई है और वहाँ पर ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ठीक है। कई दफ़ा ये होता है कि आपकी इनग्वाइनल हर्नियाज दोनों साइड के जब रिपेयर किए जाते हैं उसमें ये डक्ट डैमेज होने का भी खतरा होता है। बाकी कॉजेज़ क्या होते हैं? बाकी कॉजेज में ओलिगोस्पर्मिया और ज़ीरो स्पर्म काउंट के कॉजेज तकरीबन सब एक ही हैं। एक तो वेरिकोसील सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि एजोस्पर्मिया कर सकती है जब वो बहुत अरसे से हो। वेरिकोसील एक वेंस का गुच्छा है जो कि आपके टेस्टिकल्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है और वो आपके स्पर्म्स को ऑक्सीजन नहीं जाने देता, जिसकी वजह से कि स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है या पहले कम होता है, और अगर उसको डिले कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए तो वो फिर ज़ीरो पे आ जाता है। वेरिकोसील हो गई आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, 2-3 हार्मोन्स जो आपके हैं FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन, और अगर ये कम हो या ये ज़्यादा हो दोनों सूरतों में इनफर्टिलिटी आ जाती है, स्पर्म काउंट इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा ड्रग्स हैं, ड्रग्स में आपकी सबसे कॉमन जो ड्रग तो नहीं जो आपकी नशा है स्मोकिंग, जिसके अंदर निकोटिन है, कैफीन है,
ये आजकल चर्स जो बहुत कॉमन हुई हुई है, ये चीज़ें सारी की सारी आपको मेल इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाती हैं, आपके स्पर्म काउंट लो कर देती हैं, आपका स्पर्म काउंट जो है वो ज़ीरो भी कर सकती हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनमें हम लेके आते हैं जी आपकी रेडिएशंस के साथ एक्सपोजर, कैंसर रेडिएशन हो सकती हैं, या आप बहुत हॉट टेम्परेचर में अगर काम कर रहे हैं, जो कुकिंग वाले कुक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हीट में काम करने से परहेज़ करना चाहिए। और बाकी उसके अलावा आपके थैलेट सिंड्रोम को मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, जिसका मतलब है कि प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सब आपके स्पर्म काउंट के लिए डेंजरस हैं। ठीक है, ये मेन कॉजेज हैं। अब ट्रीटमेंट इनकी डिपेंडिंग अपॉन द कॉज है। अगर एजोस्पर्मिया का रिपोर्ट आ गई है, फिर हम हॉर्मोन्स कराते हैं, फिर देख लेते हैं कि पेशेंट अगर ट्रीटेबल है, पहले तो वो फैक्टर्स दूर कर दें जो उसको ये चीज़ें कर रहे हैं, उसका जॉब चेंज करवा दें, प्लस ये कि उसको जनरल एक्सरसाइज की तरफ डालें, हेल्दी डाइट की तरफ डालें, और सप्लीमेंट्स दें। सप्लीमेंट्स में विटामिंस, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स आते हैं। ठीक है, और उसका टेस्टोस्टेरोन बिल्डअप करते हैं। ठीक, बाकी अगर ये इसके बावजूद हमारा काउंट इम्प्रूव नहीं हो रहा और हमारा एजोस्पर्मिया है, तो फिर हम स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स की तरफ जाते हैं, यानी IVF की तरफ। IVF आपको पता है टेस्ट ट्यूब बेबी, कॉमन जो लैंग्वेज है वो टेस्ट ट्यूब बेबी की है, लेकिन फिर हम IVF के लिए स्पर्म्स को वो माइक्रोटीजी पिज़ा ये सब कुछ करके स्पर्म्स हम फ्रीज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आपके एग्स लेके फीमेल के, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मैं करना चाह रही थी स्पर्म डिसऑर्डर्स की, ये जो मैं पहले भी करती जा रही हूँ, काफ़ी अरसे से करती जा रही हूँ। अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, ड्रग्स, स्मोकिंग और हाई टेम्परेचर से बचें। ठीक है, अपनी डाइट, आजकल का जो फ्रूट है ना, जो गर्मियों का फ्रूट है, लिटरली वो मर्दों के लिए गिफ्ट है। सब लोग वो फ्रूट ज़रूर एंजॉय करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।